आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर में राशन का कालाबाजार करने वालों पर मामला दर्ज, पुलिस ने 18 लाख रुपए का माल किया जब्त। दरअसल सोलापुर शहर व जिले में पिछले कुछ सालों से गरीबों को सरकार की ओर से मिलने वाले मुफ्त अनाज को कुछ लोग अवैध तरीके से 10 से 12 रुपए प्रति किलो पर खरीद कर उसे बड़े बड़े मशीनों की मदद से बारीक कर 40 से 50 रुपए प्रति किलो बाजारों में बेचने की चर्चा चल रही थी। सोलापुर जेल रोड पुलिस थाने में भवानीपेट के रहने वाले सोहेल रशीद शेख पर आईपीसी 34 और जीवनावश्यक वस्तु कायदा कलम 3-7 के तहत बीते 25 जनवरी 2023 को मामला दर्ज हुआ है कि आरोपी सुहेल शेख चावल और गेहूं का अवैध तरीके से स्टॉक कर उसे सोलापुर मार्केट यार्ड से MH04KU6185 नंबर की ट्रक और MH13AN0401 पे रिक्शा में भरकर काले बाजार में बेचने के लिए निकला था, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उस ट्रक और एपे को पकड़ जांच की तो उसमें बिना प्रिंट किए हुए काले सफेद थैले और वेरी वाल्मीना व्हाइट राइस प्रिंट किए हुए थैले में अनाज मिला। पुलिस ने जब इसकी पौती की जांच की तो ये सारा मामला सामने आ गया कि आरोपी सुहेल शेख ने खुद के फायदे के लिए सरकारी अनाज को कम कीमत पर खरीद कर उसे काले बाजार में बेच रहा है। पुलिस ने कुल 18,20,000 रुपए का माल जब्त कर लिया है। सौ बात की एक बात तो साफ है कि सोलापुर शहर व जिले में अनाज की कालाबाजारी करने वालों पर कुछ लोगों का आशीर्वाद है जो जल्द ही सामने आने वाला है।